सत श्री अकाल, मैं डॉक्टर हिमांशु शर्मा हूँ और मैं अमनदीप मेडिसिटी में क्यूरोलॉजिस्ट हूँ। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा फिस्चुला सर्जरी के बारे में। जब भी कभी किडनी की डिजीज़ होती है, जिसे हम किडनी फेलियर कहते हैं, तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो होता है रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में हमारे पास एक ऑप्शन होता है डायलिसिस और दूसरा ऑप्शन होता है किडनी ट्रांसप्लांट। जब तक किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डोनर अवेलेबल ना हो, पेशेंट्स को डायलिसिस पे डालना पड़ता है और डायलिसिस के लिए एक फिस्चुला, जिसमें हम एक आर्टरी और वेन का कनेक्शन बनाते हैं, बाजू में जो वेन होती है उसको आर्टरी से जोड़ा जाता है और इसी कनेक्शन को फिस्चुला कहते हैं। और जब ये मैच्योर हो जाता है उसके बाद इस फिस्चुला को डायलिसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ये बहुत ज़रूरी होता है कि पेशेंट को बताया जाए कि फिस्चुला की सर्जरी कैसे होगी। ये रिस्ट पे की जा सकती है, एल्बो के पे की जा सकती है और यहाँ ऊपर जो है कंधे के पास यहाँ भी की जा सकती है। अक्सर हम रिस्ट से शुरू करते हैं। अगर रिस्ट की जो नसें हैं वो कमज़ोर हों या थोड़ी उनकी चौड़ाई कम हो तो हम ऊपर ये जो सर्जरी है एल्बो पे करते हैं। और इसमें पेशेंट की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्जरी जो है वो तो एक दो घंटे में ख़त्म हो जाएगी, पर सर्जरी के बाद इसको मैच्योर होने में कम से कम 6 हफ्ते लगते हैं। और इस 6 हफ्ते के लिए पेशेंट को कुछ एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। कुछ देर के लिए पेशेंट को अपनी बाजू सीधी रखनी पड़ती है, जिसमें उन्हें फोल्ड नहीं करना है। इसमें पेशेंट को बॉल दी जाती है, एक सॉफ्ट बॉल, जिससे पेशेंट को कंप्रेस करना होता है ताकि ये डायलिसिस के लिए तैयार हो जाए। ये जो एक्सरसाइज हैं ये बहुत ज़रूरी हैं और ये फिस्चुला मैच्योरेशन में हेल्प करती हैं। आपका पेशेंट को ज्ञान देना या इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है ताकि ये जो फिस्चुला मैच्योर है ये प्रॉपरली मैच्योरेशन इसकी प्रॉपरली हो पाए। अब इसके लिए पेशेंट को ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है ताकि वो ये एक्सरसाइज कर सके, और ये समझाना भी बहुत ज़रूरी है कि इससे फिस्चुला मैच्योरेशन में हेल्प होगी। जब डायलिसिस चल रहा होता है, साइड बाय साइड एक डोनर के लिए सर्च जारी होती है। अगर पेशेंट के रिलेटिव्स में से कोई डोनर हो जाए तो दैट इज़ वन ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है, कोई अनरिलेटेड पेशेंट है जो अपने ऑर्गन्स अपनी डेथ के बाद डोनेट करता है, तो दैट इज़ अनदर ऑप्शन, लेकिन उसमें वेटिंग लिस्ट कई बार बहुत ज़्यादा होता है। अमनदीप मेडिसिटी में हम डायलिसिस तो ऑलरेडी कर रहे हैं और किडनी ट्रांसप्लांटेशन हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा अमनदीप मेडिसिटी में किडनी से रिलेटेड जो रोग होते हैं, जो बीमारियाँ होती हैं, उनका मेडिकल और सर्जिकल इलाज दोनों ही किया जाता है। किडनी में स्टोन्स के लिए की होल सर्जरी और स्टिचलेस सर्जरी दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं अमनदीप हॉस्पिटल्स में। अगर किसी पेशेंट को यूरिन में ब्लड आ रहा है या किडनी का या ब्लैडर का कैंसर है या प्रोस्टेट का कैंसर है, उसका इलाज भी अमनदीप हॉस्पिटल में की होल सर्जरी के द्वारा या स्टिचलेस सर्जरी के द्वारा भी पॉसिबल है। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको किडनी से रिलेटेड कोई सिम्टम्स हैं और अगर आपको किडनी से रिलेटेड कोई भी तकलीफ है तो उसको इग्नोर ना करें और उसके बारे में अपने डॉक्टर से बात कीजिए, अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलिए ताकि उसका इलाज जल्द से जल्द हो सके। और जितनी जल्दी इलाज हो उतना ही आसान, उतना ही सिंपलर ट्रीटमेंट हो जाता है पेशेंट के लिए और उतना ही पेशेंट के रिकवरी रेट्स और पेशेंट का जो नॉर्मल लाइफ है वो भी उतनी ही बेटर रहती है। सत श्री अकाल।